वेलकम टू माई चैनल लान वीत की। आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज और उसके अंदर हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे कि भाई जब भी कोई पर्सन रिटायरमेंट लेता है और वो ऐसी जॉब कर रहा है जिसमें उसे सैलरी रिसीव हो रही है तो क्या क्या बेनिफिट वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई पर्सन रिटायरमेंट लेता है तो उसे मतलब कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। ग्रेचुटी मिल सकती है, कंप्यूटेड पेंशन मिल सकती है, अर्नड लीव सैलरी मिल सकती है, कंपनसेशन मिल सकता है रिट्रेंचमेंट पे, कंपनसेशन मिल सकता है रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी। जैसे किसी को जैसे 5 इंप्लॉयज़ थे ऑर्गेनाइजेशन में, 2 की रिक्वायरमेंट थी तो 3 को निकाल दी, मतलब छटनी कर दी। वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने पर जैसे कोई पर्सन क्या कहता है कि मैं आपको निकालूंगा नहीं, आप खुद से रिटायरमेंट ले लो, मैं आपको इतने पैसे कंपनसेशन दूंगा। ठीक है, या खुद से रिटायरमेंट लेना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ का पैसा। हमें पता नहीं इनकम टैक्स वगैरह के बेनिफिट मिलते हैं, नॉर्मली ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है। तो इसमें ये बता रखा है कि हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस किस के अंदर हमें कौन कौन से चीज़ पर टैक्स की छूट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो लीव सैलरी में भी छूट मिलती है, ग्रेचुटी में भी मिलती है, और कंप्यूटेड पेंशन मतलब इकट्ठी एक साथ पेंशन दे दे, एक तो हम मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे किसी पर्सन को दे, और एक है ना इकट्ठी पेंशन दे दे तो वो वाला। ठीक है, तो देखो जी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, NGE मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें बता रखा है ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी वो पेमेंट होती है जो किसी एम्प्लॉयर का मतलब होगा यहाँ पे मालिक से, और एम्प्लॉय जो उसके साथ पास काम कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉय को उसके एप्रिशिएशन के रूप में, मतलब तारीफ के रूप में, उसके काम की बढ़ाई के रूप में कि हाँ भाई पास्ट में उसने बहुत अच्छा काम किया था। जो ग्रेचुटी होती है वो एम्प्लॉयर है वो रिटायरमेंट के टाइम पर भी कभी भी ले सकता है, या अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका लीगल हेयर वो ले सकता है। लीगल हेयर मतलब नॉमिनी वगैरह जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो ग्रेचुटी होती है वो एम्प्लॉय के द्वारा रिसीव की जाती है। अगर वो रिटायरमेंट पर रिसीव की जाए तो वो ऐड किस ऐड के अंदर आएगी? सैलरी ऐड में, और टैक्सेबल होगी। और अगर लीगल हेयर के द्वारा वो उसकी डेथ हो जाती है और उसका नॉमिनी लेता है तो वो अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड के अंदर आएगी। ठीक है, अब बात आती है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जब वो टैक्स से फ्री होती है। ठीक है, तो देखो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो तो वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक तो आप अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर होते हो, और एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर नहीं होते हो। तो अगर कवर होते हो तो कुछ अलग कंडीशन होती है, और नहीं होते तो अलग। भाई इसमें क्या होता है कि जैसे जो अब मैक्सिमम तो आपको वही 20 लाख मिलना है दोनों में, लेकिन इसमें जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है बेसिक सैलरी एवरेज सैलरी वो अलग अलग हो जाता है। जैसे जो पेमेंट होती है ग्रेचुटी एक्ट की वो अप्लाई होती है उन एम्प्लॉयज़ पर जो काम कर रहे हैं किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड में, जहाँ पे कम से कम कितने एम्प्लॉयज़ हों, 10 या उससे ज़्यादा। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय हों वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, और या जो भी एम्प्लॉय है उनको किस एक्ट के अंदर कवर किया जाए, जो भी गवर्नमेंट का है और वो सारे रूल्स वगैरह लागू हों। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय। हाँ भाई, साल के दौरान अगर कम भी हो जाते हैं ना 10 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस टाइम पे वो अगर वो एक बार कवर हो गए तो वो एक्ट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, फिर आती है कि भाई कौन कौन सी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी, तो लिस्ट अमाउंट मतलब इन तीनों में से जो भी कम होगी वो उस अमाउंट की छूट मिलेगी। देखो 15 दिन की सैलरी लेंगे और 7 दिन के अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, सीजनल लाइक जैसे हम एग्रीकल्चर में नहीं करते, कुछ मंथ तक काम रहता है फिर कुछ मंथ तक काम नहीं रहता है वैसे, तो उस टाइम पे 7 दिन के नहीं तो 15 दिन की सैलरी लेंगे जो लास्ट मंथ था। ठीक है, लास्ट ड्रॉन फ्रॉम द और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज से लेंगे कि जितने भी साल पूरा पार्ट, अगर 6 महीने से ज़्यादा मंथ तक काम किए किसी भी ईयर में तो उसको 1 साल पूरा कंसिडर किया जाएगा, या 20 लाख या एक्चुअल में जो पैसा मिलेगा वो। फिर आता है सैलरी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो सैलरी में बेसिक सैलरी और डियरनेस मतलब महंगाई भत्ता। ठीक है, तो देखो 15 दिन की सैलरी के लिए क्या करेंगे, पिछले महीने की सैलरी उसको मल्टीप्लाई करके 15 से, क्योंकि 15 दिन की सैलरी ले रहे हैं, और डिवाइड करें 26 से, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 मंथ इज इक्वल टू 30 या 31 डेज, और नॉर्मली 4 संडे तो आ ही जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे अप्रोक्स इसने 26 मान रखा है। ठीक है, तो यही बता रखा है जो भी 15 दिन की सैलरी होगी वो कंप्यूट की जाएगी एवरेज और टोटल सैलरी के बेसिस पे, और अगर ओवर टाइम क्या है किसी पर्सन, जैसे भाई एक दिन में 8 घंटे काम करना होता है उसकी सैलरी मिलती है 500, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करता है 1-2 घंटे एक्स्ट्रा करता है जैसे 10 घंटे, तो उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जो ओवर टाइम की सैलरी होगी ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, उसको हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, और कहता है कि जो एवरेज और टोटल सैलरी है वो 3 मंथ्स के इमीडिएटली होना चाहिए बिल्कुल रिटायरमेंट के।
ओके देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 20 जुलाई 2022 को रिटायर हुआ, ठीक है, और सैलरी रिसीव हुई 21 अप्रैल को 22 जुलाई 2022 तक, और वो थी 39,000। ये मान लिया कि 15 दिन की सैलरी, तो क्या करेंगे, 7500 कैसे आई, 39,000 सैलरी थी, डिवाइड किया 3 मंथ से, क्योंकि 3 मंथ इसने बोला है ना, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया 15 से क्यों, क्योंकि 15 दिन की सैलरी ली, और डिवाइड किया 26 से भी, क्योंकि 26 तो 1 मंथ का वाला है ना वो, ठीक है। अब बात आती है अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर ना हो, तो कहता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, रिटायरमेंट ले लेता है या काम करना कर नहीं सकता, इनकैपेसिटेट हो जाता है रिटायरमेंट से पहले या टर्मिनेट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, तो कहता है कि जो ग्रेचुटी है अगर उसकी विधू ले, उसके बच्चे ले या डिपेंडेंट, विधू मतलब होती विधवा, ठीक है, डेथ के केस में, तो वो एग्जेम्प्ट होगी किस लिमिट तक, 1/2 एवरेज सैलरी का, ठीक है, और इसमें सिर्फ कंप्लीटेड ईयर लेंगे, जैसे किसी मंथ में आपने 2-3 महीने एक्स्ट्रा किया है तो वो कवर नहीं होगा, 20 लाख एक्चुअल अमाउंट ग्रेचुटी की, ठीक है, इनमें से जो भी कम होगा वो लेंगे, और कंप्लीटेड ईयर को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, और जो भी पार्ट होगा उसको इग्नोर करेंगे, जैसे 30 साल 8 महीने काम किया है तो सिर्फ 30 साल ही माना जाएगा। एवरेज सैलरी में क्या आएगा, इसमें लेंगे हम सैलरी ऑफ 10 मंथ जो इमीडिएटली प्रिसीडिंग है, जैसे इसमें 3 मंथ्स का था, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक और डियरनेस के साथ साथ कमीशन भी आ जाता है, ठीक है। फिर आती है ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से अगर आप ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हो तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आपको एग्रीगेट अमाउंट भाई 20 लाख की छूट मिलनी है, अगर एक एम्प्लॉयर से ले लोगे तो दूसरे से नहीं मिलेगी, अगर दोनों से लोगे तो पार्शली पार्शली ले लो, ठीक है। तो कहता है कि अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है बाय द एम्प्लॉयर मोर देन वन एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर, जो एग्रीगेट अमाउंट होगी वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट लिमिट मतलब 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ग्रेचुटी रिसीव करता है किसी भी साल में फॉर्मर एम्प्लॉय जो रिसीव करता है ग्रेचुटी अनदर एम्प्लॉय से बाद के साल में, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट जो भी लिमिट है वो उतने से कम हो जाएगी जितनी उसने पहले रिसीव कर ली थी। अब दोनों में वही फिर से डिफरेंस दिखा रहा है, जैसे इसमें निकालने का तरीका ये था 15 दिन की सैलरी, इसमें 1/2 मतलब 1/2 मंथ की सैलरी, इसमें निकालने के लिए 15/26 करते हैं लास्ट राउंड का, इसमें 1/2 करते हैं पिछले 10 महीनों की सैलरी का, ठीक है, इसमें हम 26 वीक कंसिडर करके चलते हैं कि भाई 26 वीक तक उसने सैलरी मतलब वो क्या बोलते हैं लीव वगैरह ली होगी, ठीक है, ये सब बता रखा है। अब तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 33 साल सर्व करने के बाद 33 साल 9 महीने भारत केमिकल लिमिटेड में कहते हैं मिस्टर एक्स है जो पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हुआ रिटायरमेंट ले लेता है 30 नवंबर 2022 को, जो एम्प्लॉयर है वो उसे ग्रेचुटी देते हैं 9 लाख की, ठीक है, तो 9 लाख क्या हुआ यहाँ पे रिसीव हुई है, ओके 20 लाख मैक्सिमम होगी। अब निकालते हैं हम ये वाले, तो कहते हैं कि उसका जो मंथली बेसिक सैलरी था उसमें 30,000 था और डीए 9,000 था, तो हम सिर्फ इन दोनों कवर करेंगे वो कितना हो गया 39,000। अब 15 दिन की सैलरी निकालने 26 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 22,500। अब साल 33 थे और इसको भी तो 1 साल मानेंगे क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा, तो क्या हो गए 34 साल हो गए, क्योंकि ठीक है 6 महीने ज़्यादा है तो 34 साल हो गए, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कि मैं इसमें सबसे कम है हमारा 7,65, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसमें सी जो सी लेवीज है वो रिटायर 20 फरवरी 2023 को रिटायर होता है मैनेजर की पोस्ट से कंपनी की, और 10 महीने एंड 31 जनवरी 2023 को होते हैं, मंथली सैलरी है 60,000 रुपये की, कन्वीनियंस अलाउंस 5,000 रुपये का है, ठीक है, तो देखो 30,000 रुपये की मतलब 60,000 रुपये की सैलरी थी, हमें तो 1/2 मंथ की सैलरी लेनी है ना क्योंकि इसने कवर नहीं किया, तो 30,000 आ जाएगा, 1/2 करेंगे तो 60/2 30,000, और कितने साल पूरे हुए हैं भाई उसने काम किया है, तो देखो यहाँ से 23 में पूरी हुई है और उसने ज्वाइन किया था, एक मिनट इसमें दे रखा होगा कि आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, तो 25 साल आ गया यहाँ से सैलरी आ गई, हाफ हमें लेना था क्योंकि कंप्लीटेड जो भी सर्विसेज है उसका हाफ लेना है, और 20 लाख में से 2,40,000 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि वो पहले जहाँ काम करता था उससे वो ग्रेचुटी ले चुका था, तो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा तो मिलती नहीं है, चाहे आप ले हो ना ले हो, ठीक है, तो वही बता रखा है इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे भी कि 1/2 मंथ की सैलरी लेंगे फिर जितने कंप्लीटेड ईयर है वो, ठीक है, तो वो सब है हमारा क्वेश्चन, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन में हमें क्या बता रखा है, पेंशन पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा जब कोई भी पर्सन रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, ठीक है, एम्प्लॉय को की जाती है उसकी पास सर्विस को देखते हुए। जो पेंशन होती है वो नॉर्मली तो पीरियडिकल बेसिस पे दी जाती है जैसे मंथली, लेकिन एम्प्लॉयर है
वो कई बार उसे ना मतलब उस पोर्शन को भूल के इकट्ठी भी दे देता है, लमसम मतलब इकट्ठा अमाउंट भी दे देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो जो पेंशन है फुल या पार्टली कम्यूट की जाती है पेंशन के रूप में, ठीक है, जो लमसम पेमेंट होती है वो एम्प्लॉय को की जाती है। तो उस केस में क्या होगा, देखो पेंशन में क्या आएगा, पेंशन चाहे आप रिसीव करो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिटायरमेंट के बाद, ये सैलरी एड में आएगी, ठीक है, सैलरी एड में आएगी। अगर कोई पर्सन है इंडिया में सर्व करने के बाद रिटायर हो जाता है और फॉरेन में सेटल हो जाता है तो भी ये माना जाएगा कि वो इनकम अक्रूड अराइज हुई है इंडिया में, इसीलिए सैलरी एड में टैक्सेबल होगी। और कहाँ पे होगी, इंडिया में, ठीक है। फिर है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन मतलब एक मुश्त। तो समटाइम जो एम्प्लॉय होता है अगर वो लमसम पेमेंट चाहता है पेंशन की जो मतलब रिसीव होनी थी मंथली बेसिस पे, तो जो लमसम पेमेंट है जो रिसीव होनी थी फॉर गोइंग द पेंशन आइदर फुल और पार्ट, कहता है कि उसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बोलेंगे, मतलब इकट्ठी मिल जाएगी या तो आधी या पूरी, ठीक है। और ये एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से एक लिमिट तक। कोई भी पेमेंट है जो रिसीव होती है कम्यूटेशन में तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए या किसी भी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ के लिए तो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर किसी अदर एम्प्लॉय के द्वारा रिसीव की जाती है तो एक लिमिट तक। 1/3 होगा नॉर्मल पेंशन के केस में अगर वो ग्रेचुटी भी रिसीव कर रहा है, और 1/2 होगा अगर वो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है। और कोई भी अदर पेमेंट जो इंडिविजुअल को कम्यूट की जा रही है, ठीक है, तो कहते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस 1 अगस्त 1999 के अंदर अगर कवर किया जाता है तो भी वो, क्योंकि है ना लाइफ इंश्योरेंस अगर लेते तो आप 1.5 लाख तक आप है ना एग्जेम्पशन पा सकते। तो देखो अनकम्यूटेड होगी तो सभी एम्प्लॉयज़ देंगे जैसे मंथली बेसिस पे मिले, और अगर कम्यूटेड होगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट होगी। नॉन गवर्नमेंट के लिए अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो 1/3, नहीं कर रहा तो 1/2, ठीक है। जैसे यहाँ पे है मिस्टर सुरेश से 12,000 पर मंथ मिलते हैं कंपनी से, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2/3 पेंशन कम्यूट हुई और उसे इतने रुपए रिसीव हुए, तो इतने रुपए रिसीव हुए थे, 2/3 कम्यूट हुई थी। और कहता है कि जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो पता नहीं अगर ग्रेचुटी रिसीव करे ना करे। तो देखो हमें पता है कि 1/3 होगा कि जब वो ग्रेचुटी रिसीव करते हैं, और 1/2 होगा जो ग्रेचुटी नहीं देते। कम्यूटेड वैल्यू 2/3 पेंशन 7,38,000 होगी। और फुल पेंशन कैसे निकालेंगे, जो 2/3 है उसका उल्टा कर दिया, मतलब 3/2 लिख दिया आ गई। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे आएगी, 1/3 ले लेंगे जो भी हमारी टोटल पेंशन बनती थी उसका, और नहीं रिसीव करेगा तो 1/2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अनलीव सैलरी। अनलीव मतलब का मतलब क्या होता है, अनलीव सैलरी का मतलब होता है कि जैसे जो लीव है उसके ऊपर आप कमा सको। कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों को लीव मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या नॉन गवर्नमेंट में, और अगर पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता करता है अपनी सर्विस के दौरान, तो वो उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता है, अपनी सैलरी में कन्वर्ट करवा सकता है। तो वही बता रखा है, तो कोई भी सर्विस है जो भी एम्प्लॉय अगर उसे अलग अलग लीव मिलती है और एम्प्लॉय है, ठीक है, वो अर्न कर सकता है पहले इंस्टेंस पे, कब अगर वो मतलब जो भी उसकी लीव है वो इकट्ठी हो जाए क्रेडिट हो जाए, ठीक है। तो अगर कहता है कि इफ़ ए लीव स्टैंडिंग इन इज क्रेडिट इज़ नॉट टेकन वे, मतलब अगर वो नहीं लेता उसको एक साल के दौरान, तो लैप्स हो जाती हैं और उनको इनकेस किया जा सकता है, एक्यूमलेट किया जा सकता है। तो कहता है कि जो एक्यूमलेटेड लीव होती है वो इकट्ठी हो जाती हैं एम्प्लॉय के पास, और एम्प्लॉय के पास क्या होता है कि बाद में वो उसको इनकेस करवा सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे या जॉब छोड़ते टाइम इनकेसमेंट होगा लीव सैलरी का, वो भी मतलब लीव सैलरी के नाम से जाना जाएगा। अगर सर्विस के दौरान अगर टैक्स मतलब इनकेस करवाएगा तो टैक्सेबल होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो पूरी तरह टैक्स फ्री है। नॉन गवर्नमेंट के लिए भाई कंडीशन है कुछ ना कुछ, कि अगर कहते हैं कि इनकेसमेंट होता है, ठीक है, सर्विस के बाद रिटायरमेंट के बाद, वेदर ऑन सुपर एनुएशन बेसिस पे हो, ठीक है, रिजाइन के बेसिस पे हो, तो कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एग्जेम्प्ट होगा एक लिमिट तक, जो भी अमाउंट कम होगी, कौन सी, मैक्सिमम 10 महीने की सैलरी एवरेज सैलरी के बेसिस पे, ठीक है, जो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग है रिटायरमेंट के, और अमाउंट ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस एवरेज सैलरी जो अप्रूव पीरियड है जिसमें जो अर्न लीव है ना उसने यूज़ नहीं की थी, और मैक्सिमम अमाउंट होगी 3 लाख या एक्चुअल में जो अमाउंट मिली है वो, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आएगा। अप्रूव पीरियड ऑफ अर्न लीव में क्या होता है कि जो अर्न लीव होती है वो ना 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती हर साल, जो एक्चुअल सर्विस थी किसी भी एम्प्लॉयर की, जिसे कैश इक्विवेलेंट मिलता है अर्न लीव के इक्वल में। मंथ जो सैलरी उसमें क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगा, डीआरएनएस अलाउंस आएगा और कमीशन आएगा। जो अर्न लीव होती है अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से होती है किसी भी सिरे प्रीवियस ईयर में, तो मैक्सिमम लिमिट उतनी ही होगी जितनी थी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 3 लाख, ठीक है। जैसे कि लीव इनकेसमेंट में अगर ड्यूरिंग सर्विस ले लेता है तो टैक्सेबल होगी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, और अगर रिटायरमेंट के बाद लेता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो फ्री है, नॉन गवर्नमेंट के लिए निकालने के लिए उसे 30 दिन की, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एनुअल लीव जो भी इंटाइटल्ड है, ठीक है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं, और कंप्लीटेड ईयर सर्विस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से जो एक्चुअली उसने अपनी सर्विस के दौरान लीव यूज़ कर ली वो घटा देंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 महीने की एवरेज सैलरी 3 लाख, इनमें से जो कम होगा वो आएगा सैलरी में, तीनों आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है।
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट छटनी, ठीक है। तो कोई भी कंपनसेशन जो रिसीव किया जाता है किसी वर्कमैन के द्वारा, किसके अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत, ठीक है, जब उसकी छटनी होती है उस टाइम पे, तो कहता है कि वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा एक लिमिट तक, जो भी अमाउंट इनमें से लिस्ट होगी। तो कहता है कि एक अमाउंट जो कैलकुलेट की जाती है सेक्शन 25FB के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में वो, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है 5 लाख वो, या एक्चुअल में जो कंपनसेशन रिसीव हुआ वो, इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट मिलेगी। जो लिमिट है 10B में वो अप्लाई नहीं होती, जहाँ पे जो कंपनसेशन वो रिसीव होता किसी अदर स्कीम में जो अप्रूव की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए वर्कर वगैरह को। फिर बात आती है रिट्रेंचमेंट में इंक्लूड होती है क्या क्या, रिट्रेंचमेंट अगर बिजनेस बंद हो जाए तब हो, ट्रांसफ़र ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन टू किसी अदर एम्प्लॉयर के पास भेज दें, ठीक है, क्योंकि भाई उसकी सर्विस वगैरह ऑफ हो गई हो, जो टर्म ऑफ सर्विस है नए एम्प्लॉय की वो कम फेवरेबल है, ठीक है, ओरिजिनल एम्प्लॉयर से। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो अमाउंट बताते हैं कंपनसेशन की जो कैलकुलेट की जाएगी, इस बेस पे 15 दिन की सैलरी लेंगे एवरेज पे का फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, ठीक है, जो भी कंटिन्यूस सर्विस के थे, और अगर पार्ट उसका 6 महीने से ज़्यादा का है तो 1 साल कंसिडर करेंगे। एवरेज पे मतलब अगर कोई वर्कमैन है उसे मंथली सैलरी मिलती है तो वहाँ पे तो 3 कैलेंडर मंथ लेंगे, वीकली वेजेस मिलती है तो लास्ट 4 वीक्स लेंगे, और डेली वेजेस मिलती है तो लास्ट 12 फुल डेज लेंगे। तो सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, सैलरी का मीनिंग वही आता है कि कोई भी अलाउंसेस, वैल्यू ऑफ हाउस, एकोमोडेशन, ट्रैवल कंसेशन, और जो एक्चुअल में जो सैलरी और वेजेस उसे मिल रही हैं, ठीक है। फिर क्या इंक्लूड नहीं होता, बोनस या कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड या पेबल किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, या कोई भी ग्रेचुटी, जैसे यहाँ पे है मिस्टर राकेश है वो एम्प्लॉयड है कलरक के रूप में टेक्सटाइल मिल अमृतसर में 1 अक्टूबर 2009 से, और 12,000 पर मंथ उन्हें मिलता है सैलरी के रूप में 2400 डियरनेस, तो टोटल ऐड किया तो ये सैलरी आ गई, इसका हमें हाफ लेना है। और कितने साल उसने सर्विस दी है भाई, 9 से 2022 मतलब 13 साल उसने दी है, तो यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा, क्योंकि इसने ये बोला। और एक्चुअल में 1,92,000 उसे कंपनसेशन के मिल रहे हैं, 5 लाख सरकार देगी, और 15 दिन एवरेज सैलरी का निकालेंगे जो कंप्लीटेड का था वो, तो इसमें से सबसे कम वाला हमारा आंसर हो जाएगा 93,600। अब बात आती है कंपनसेशन ऑन वॉलेंटरी, जब खुद से रिटायरमेंट लेता है तो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, प्राइवेट, अदर स्टैचुरी, लोकल कोऑपरेटिव वगैरह, तो इससे इसमें क्या है देखो, या इन सभी केसेस में नाम याद कर सकते हो आप। तो कहता है कि जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट होगा स्कीम ऑफ वॉलेंटरी, तो कहता है कि इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी में या स्कीम ऑफ वॉलेंटरी सेपरेशन में वो एग्जेम्प्ट होगा एक स्पेसिफाइड लिमिट तक, ठीक है। तो क्या है, जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ की सैलरी जो भी कंप्लीटेड या सर्विस है, या सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो मल्टीप्लाई की जाएगी बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस जो बच गए थे और सुपर एनवेस्टमेंट टाइम पे, और अमाउंट जो एक्चुअल मिली है मैक्सिमम 5 लाख, सैलरी में बेसिक सैलरी, डियरनेस और कमीशन भी आ जाएगा, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी 89 रिलीफ रूल के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन है कि जोन है एक एम्प्लॉयड है पब्लिक कंपनी में, 6 लाख रुपये वॉलेंटरी रिटायरमेंट के मिलते हैं, नॉर्मल एज है रिटायरमेंट की 60 साल, जोन जो 45 साल के टाइम पे रिटायरमेंट हो जाता है उसका 20 साल सर्विस देता है, तो देखो बेसिक पे लेंगे, डियरनेस लेंगे, कि HRA कन्वेंस तो आना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सैलरी आई 10,000 और 50% लेंगे DA का, क्यों, क्योंकि सिर्फ 50% पेंशन में आ गया 50%, तो 13,000 सैलरी आ गई, कंप्लीटेड साल है 20 साल, तो सर्विस कितनी बची भाई, टोटल 60 साल के लिए होना था, ठीक है, और 45 साल की उम्र में हो गया तो मतलब अभी वो और कर सकता था, और 12 महीने के हिसाब से तो 180 महीने अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अमाउंट इतनी मिली है और 3 मंथ की सैलरी हमने निकाली, क्योंकि 13,000 रुपये आ रहे हैं, 20 साल सर्विस दी और 3 महीने की सैलरी हमें निकालनी है, फिर सैलरी निकाली है बैलेंस मंथ की, क्योंकि 180 मंथ तक नहीं किया उसने अभी तक काम, मैक्सिमम इतना मिलना था, तो इनमें से जो भी होगा मिनिमम वो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, मतलब 5 लाख तक 1 लाख टैक्सेबल होगी अमाउंट, ठीक है। फिर है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में 3 प्रकार के होते हैं, स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज। तो स्टैचुरी पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है, रिकॉग्नाइज फुली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, अगर जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली कम से कम 5 साल से काम कर रहा है और वो मतलब कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ है, अच्छी सिचुएशन में है, अगर वो 5 साल तक कंटिन्यूसली सर्व नहीं करेगा तो टर्मिनेट कर दिया हो, लेफ्ट कर दे सर्विस इलनेस के कारण या डिसकंटिन्यूस के कारण। तो फिर आती है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जो इंप्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है, जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्लूड होता है इसमें, हेड सैलरी हेड में, और टैक्स लगता है, जो सब्सक्रिप्शन होगा इंप्लॉय से वो एग्जेम्प्ट होगा,
और जो इंटरेस्ट होता है इम्प्लॉय के सब्सक्रिप्शन में वो इनकम फ्रॉम अदर सेल एड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। तो स्टैचुरी एग्जाम रिकॉग्नाइज 5 साल तक कंटिन्यू होना जरूरी है कम से कम, और अनरिकॉग्नाइज में इम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल है और इंटरेस्ट भी, लेकिन इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम टैक्स मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर वो टैक्सेबल। तो ये हमारा चैप्टर था, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद कीरू कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।